अपने बेटे की सलामती के लिए दर दर भटक रही महिला ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। मुरादाबाद एसएसपी से अपने पुत्र के साथ हुए हादसे की न्याय की गुहार लगाने पहुंची पीड़िता। दरअसल सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की सचिन और सीमा हैदर की कहानी खूब सुर्खियां बटोर रही है। उसके बाद दूसरा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद का है। यहाँ की रहने वाली पीड़िता सुनीता ने एसएसपी मुरादाबाद को एक शिकायती पत्र सौंपा। उसने शिकायती पत्र में कहा है कि मेरा बेटा अजय बांग्लादेश की रहने वाली युवती जूली से व्हाट्सएप पर चैटिंग करता था। बांग्लादेश की रहने वाली जूली अपनी बेटी हलीमा को लेकर जनपद मुरादाबाद में आती है और अजय से हिंदू धर्म अपनाकर हिंदू रीति रिवाजों से शादी कर लेती है। पीड़िता ने आगे कहा कि कुछ महीने पूर्व महिला जूली बांग्लादेशी निवासी मेरे बेटे को अपने साथ बांग्लादेश लेकर चली गई। फिर युवती जूली ने अपनी सास सुनीता से कहा कि मेरा वीजा खत्म हो गया है और मैं उसकी सीमा बढ़वाकर जल्द वापस आ जाऊंगी, तुम मुझे बांग्लादेश के बॉर्डर यानी कोलकाता छोड़ आना। और अजय छोड़ने चला गया परंतु वो वापस नहीं आया। पीड़िता सुनीता का कहना है कि मेरा बेटा अजय का कुछ समय पहले फोन आया था, उसने कहा था माँ मैं बांग्लादेश में हूँ, 10 से 15 दिन में वापस आ जाऊंगा। लेकिन कुछ दिन बाद अजय का फोन दोबारा आता है और वो अपनी माँ से पैसों की मांग करता है कि मुझे पैसों की जरूरत है, कुछ पैसे भेज दो। तभी अचानक फोन कट जाता है। उसके बाद पीड़िता के व्हाट्सएप नंबर पर उसके बेटे अजय के खून से लथपथ फोटो आते हैं। परेशान पीड़िता अब न्याय के लिए दर दर भटक रही है। पीड़िता ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मीडिया के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई है कि मेरे बेटे को बांग्लादेश से वापस ला दो। सुनीता है? सुनीता सुनीता कहाँ आई आप? ये इस पे कप्तान साहब के पास आई। क्यों आई है? रिपोर्ट लगा लिखा ला। क्या प्रश्न है? मेरा लड़का ऐसे ऐसे चला गया वहाँ विदेश में। कहाँ? कौन सा विदेश? बांग्लादेश। क्या क्या हुआ था पूरा मामला? बांग्लादेश की एक लड़की आई थी मोबाइल से चैटिंग करके बात कर करके। किससे करती थी? आपके लड़का से करती थी। आपके? हाँ। नाम है लड़का? अजय। तो क्या हुआ, चैटिंग करती थी? वो लड़की आ गई थी यहाँ, शादी कर ली, शादी करके उसे ले गई, बोले मुझे छोड़ के आओ। कहाँ? बॉर्डर पर। कौन सा बॉर्डर पर? बांग्लादेश की बॉर्डर ये जो हरिदासपुर है? वो हाँ हरिदासपुर। अच्छा, हरिदासपुर है। ये तीसरे महीना चल रहे। तो क्या हुआ जब बॉर्डर पर गया? तो उसे ले गई पार करके। जब बॉर्डर पार हुई तब उसने लड़का ने फोन करा तो मम्मी मैं मुझे ऐसे ऐसे ले आई है तो मैं 10-15 दिन में लौट वापस आ जाऊँगा। उसके बाद फोन करते रहा, ये कोई महीना में 10 दिन में ऐसे फोन करते रहा। जब हाल फिलहाल बोला दीदी धन के पास फ़ोन करा तो बोले दीदी मुझे 15,000 रुपये भेज दे, मैं ऐसी मुसीबत पे पड़ा हूँ। तो बोले भैया मैं कहाँ से भेजूँ, किस पते से भेजूँ। तो उसके बाद मेरे पास फ़ोन आया। जैसे मेरे पास फ़ोन आया मैं बोले हाँ बेटा क्या बात है? तो बोले मम्मी क्या कर रही, मैं लेटी हुई हूँ काम पे से आई। इतने कह के फ़ोन काट दिया, 2 मिनट बाद ये फ़ोटो भेज दिया। फोटो में क्या? फोटो में सिर फटे हुए हैं, खून ही खून हो रहे। उसके बाद फोन बंद है, ना कोई फोन लग रहे, ना कोई आ रहे ना जा रहे। नंबरों से कॉल आ रही है आपको? हैं? बाहर का नंबर? बाहर के? हाँ बांग्लादेश के नंबर से आ रही है। जब से कितना टाइम देती होगा? कैसे शादी कभी? शादी तो 3 महीना पहले ही हुई थी ना, शादी हुई है पिछले साल। और कुछ घटना हुई है? सामान वान भी लेने गए? हाँ। क्या? 2 चूड़ी, 1 अंगूठी और ये खाने की टोकस। तो और एक पेंडल। वो जो महिला थी बांग्लादेश, वो मुसलमान है, जूली नाम है उसकी, लड़की की नाम है हलीमा। तो उसने यहाँ आकर जब शादी करी, धर्म बदला? हाँ मंदिर में शादी करी। हाँ। मंदिर में करी है शादी, हिंदू रीति रिवाज से शादी। हाँ। तो हिंदू धर्म अपनाया था? हाँ हिंदू धर्म अपनाया। आप कहाँ गई है लेकर? आपको बांग्लादेश। आपको पता है आपको? हाँ माँ, हाँ माँ से फ़ोन करता है बांग्लादेश में उसी के घर से। लास्ट बार कॉल कब आई है? ये इसमें 4 दिन हो गए होंगे लगभग। हाँ 4 दिन हो गए जब कोर्ट हुए थे। हाँ है? हाँ अब कोई संपर्क नहीं हो रहा ना? 4 दिन से कोई ना फोन लग रहा है ना कुछ। आपको क्या लग रहा है, बेटा मुसीबत में? हाँ मुसीबत में। क्या चाहती हैं आप? नहीं हमें यही चाहते हैं कि मेरे बेटा कैसे ना कैसे बस निकल आवे। वैसे मेरे तो और कोई है ना, ना मेरा आदमी है ना कोई और है, कैसे ना कैसे वो निकल के आ जाए बस। मोदी जी से, योगी जी से, दोनों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे कि मेरे बच्चे को कैसे ना कैसे पता लगाए कि निकाल ले।
आपको क्या लगता है कि आपके बच्चे के संग कोई अनहोनी तो नहीं? हाँ, यही लग रहा है मुझे, मेरे बच्चे के संग कोई अनहोनी हो रही। तो महिला ने हिंदू धर्म अपनाया था उसमें बांग्लादेश से आने के बाद? हाँ, सिंदूर सिंदूर भी लगाती, पूजा भी करती, सब काम करती। जेवी हेल्थ केयर अब रिजवासियों के लिए लेकर आया है हर प्रकार की चिकित्सकीय सुविधाएं, वो भी एक छत के ही नीचे। जयवंश हेल्थ केयर में मिलेंगी आपको एक्सरे की सुविधाएं, ईसीजी मशीन की सुविधा, पैथोलॉजी सुविधा, हृदय संबंधित बीमारी से जुड़ा हर इलाज, वो भी 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। जयवंश हेल्थ केयर, लाल चश्मा घर के सामने, बुतेश्वर रोड, मथुरा।